हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है। कभी कभी आप कुछ ऐसे कैरेक्टर से इतना ज़्यादा कनेक्ट कर जाते हो कि आपको लगता है कि यार ये ना इसकी फ़्लाइट हमेशा ऐसे के ऐसे के ऐसे के ऐसे ही जाए। और कभी भी आपको ऐसा कोई सीरीज़ का पार्ट ना देखना पड़े जब ये नीचे चला जाए। तो एक सीरीज़ है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, जिसका नाम है जैक रायन। और ये आप अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे हिंदी में भी देख सकते हैं। 8-8 एपिसोड यूजुअली आते हैं। और जैक रायन के अंदर जो किरदार जिन्होंने प्ले किया जॉन क्रैंसन्स की, वो एक्टर बहुत ज़्यादा सूट करा है यहाँ पर। मेरीन वेटरन है और साथ ही साथ में फाइनेंशियल एक्सपर्ट है। डेस्क जॉब करते करते कब वो फील्ड के अंदर झोंक दिया जाता है और हमेशा एक टिप से वो क्या बड़े बड़े उजागर करता रहता है, यही इसका चार्म था। और चार्म ये भी था कि वो फर्स्ट टाइम जाता है तो वल्नरेबिलिटी जो होती है, एक्सपोजर जो होता है, कैसे हैंडल करना है, और फास्ट पेस जो चीज़ें होती हैं, इंटेंसिटी, इन्वेस्टिगेशन, एक्शन, एक्सप्लोसिवनेस, सो टू से पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा, गैंगस्टर्स, टेररिज्म, कैटल ऑफ स्टेज, जो आप चीज़ सोच सकते हो कि एक ऐसे एक स्पाई थ्रिलर टाइप या फिर एक इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर या फिर कोई ऐसा जिसे कहते हैं एस्पियोनेज में होना चाहिए, ये सब आपको दिखेगा। क्योंकि एक रेगुलर आदमी जो है वो हीरो बन रहा है यहाँ पर। और क्या वो सीज़न 3 के अंदर भी आपको इंस्पायर करता है कि नहीं करता है, उसके बारे में बात करेंगे। स्टोरीज कनेक्टेड नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे किरदार जो हैं, जो लोग CIA के अंदर हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और वो जो किरदार हैं, उनकी जो डायनामिक्स है, उसको आगे लेके गया गया है। जैसे आपने देखा था कि सीज़न 1 में एक टिप के थ्रू उसने सुलेमान और उस जो टेररिस्ट ग्रुप को कैसे उजागर किया था, और जो उसका रिलेशनशिप डायनामिक्स था उसके बॉस के साथ, ग्रीर के साथ, वो आगे सीज़न 2 और सीज़न 3 में भी आपको दिखेगा। और इसके बाद वो सडनली जाता है सीज़न 2 के अंदर, जहाँ पर वो पॉलिटिकल वॉरफेयर जिसे कहते हैं मोटा मोटा, वेनेजुएला के अंदर फंस जाता। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि इसके अंदर US और उसकी पॉलिटिक्स और उसके जो डायनेमिक्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हों, चाहे वो जिसे कहते हैं ना अरबिक कंट्रीज़ हों, उनके साथ क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लोर करी गई हैं। और उसी को एक्सटेंड करते हुए जब ये सेकेंड सीज़न जहाँ जहाँ ख़त्म होता है, जहाँ पर वो वेनेजुएला के पास जाके एक टिप के थ्रू, एक इलीगल आर्म शिपमेंट के थ्रू कुछ बड़ा एक्सपोज करता है, वो जिन्होंने नहीं देखी इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बताना नहीं चाहता हूँ इसके बारे में, वो पर्सनली कैसे इन्वॉल्व हो जाता है, वो सॉल्व करता है। थर्ड मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो शुरुआत हुई थी वो ऐसे हुई थी कि शायद ये फिर से थोड़ी प्रोफेसर ग्री के अंदर चला जाएगा, ही विल ट्रेन मोर पीपल। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू गो टू इन टू द लाइन्स ऑफ, जैसे हमने Top Gun 2 देखी काफ़ी टाइम बाद आई, और ही इज़ बेसिकली क्रिएटिंग मोर अकम्पलिस्ड पायलट्स, वैसा स्टोरी थी। मेरे को लगा था शायद ऐसा कुछ होगा यहाँ पर, लेकिन ये खुद फिर से इन्वॉल्व हो जाता है यहाँ पर, और कहानी रोम यूरोप में चली जाती है, और बड़ी कॉन्स्परेसी, न्यूक्लियर अटैक और ये सब चीज़ें के बारे में आती है, जो कि लिंकेज बना दिया जाता है सोवियत यूनियन से। और सोवियत और US का पंगा तो आपको पता है, आप 1,000,000 बार शायद देख चुके होंगे, और उसी की इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये फुली एक्शन पैक्ड आपको सीरीज़ दिखेगी, जिसके अंदर अब जैक जो है वो ज़्यादा स्मार्टर हो चुका है, और एक्शन भी बैक टू बैक है। और फिर रन ऑफ द मिल थोड़ा जो फॉर्मूला यूज़ किया गया, जो मुझे नहीं पर्सनली अच्छा लगा, कि आप एक एजेंसी के अंदर होते हैं, एजेंसी में काम करते करते इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है जो एजेंसी आपको डिसओन कर देती है, फिर आप गद्दार कर दिए जाते हैं, फिर उसके बाद घूम फिर के आपको अपना नाम क्लियर करना है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ऑलमोस्ट सबको पता है, और आपको ट्रेलर से भी इंडिकेशन आ चुका होगा वो क्लियरिंग नेम वाला जो सीन है। और बड़ा जो मुद्दा है कि क्या सोवियत जो है फिर से एक सुपर पावर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, उसको स्टॉप करना है, और US की सीरीज है तो नहीं बन पाएगा, इसके आंसर्स भी हैं। तो बहुत ही फॉर्मूला ड्रिवन से चलती है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि जो भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं वो रेस अगेंस्ट टाइम ज़रूर है। जो कैरेक्टर्स हैं और जो इसके सीनियर के साथ जो इसकी इक्वेशन है वो सब अच्छा चलती रहेगी, कुछ ना कुछ होता रहेगा, बड़े तरीके से होगा, और जो एक्शन है वो बड़ा होता रहेगा। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको वहाँ के पॉलिटिकल अफेयर्स को, US के पॉलिटिकल अफेयर्स को भी जानना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको पता है, आपको इंटरेस्ट है, तो आप कनेक्ट करोगे, अदरवाइज़ आपका कनेक्शन थोड़ा थोड़ा बीच बीच में शायद सीज़न 3 में लूज़ होगा। सीज़न 4 भी आएगा इसका, और वो इसका लास्ट सीज़न होगा। जस्ट एज एन इन्फॉर्मेशन, माई मूवी शूवी स्कोर हैज ड्रॉप्ड फ्रॉम 9 to 8 इन सीज़न 2 एंड नाउ 7 इन सीज़न 3। होपफुली दे विल बाउंस बैक। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।